एग्जाम टाइम चल रहा है और मैं जानता हूं कि ये समय आपको कितनी टेंशन देने वाला होगा। मैं समझता हूं कि इस समय आप बहुत परेशान होंगे, लेकिन आपको एक सच्चे दिल से एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपना 100% कोर्स कवर कर चुके हो तो डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आप यही कर सकते थे। बस आपके हाथ में सिर्फ यही था, आप अपना 100% एफर्ट्स दे चुके हैं। अब टेंशन मत लो, मन को रिलैक्स करो और बार बार उसे रिवाइज करो। ध्यान देना, सीए इज पार्ट ऑफ लाइफ, सीए इज नॉट लाइफ। ये जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। तो 100% कोर्स करने के बाद टेंशन देना तो बेवकूफी है। बिल्कुल टेंशन मत लो, खुश रहो और खुशी खुशी पढ़ाई करो। एग्जाम टाइम चल रहा। लेकिन अगर आपने सिर्फ 50% या 60% कोर्स किया है तो मैं ये बात आपको पूरे एश्योरेंस से और अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि एग्जाम में पास होने के आपके अभी भी चांसेस हैं। पहली बात तो आप ये मानो कि जो कोर्स आपने नहीं पढ़ा है, ऐसा मान लो कि वो कोर्स में है ही नहीं, वो कोर्स में था ही नहीं। आपने 50-60% पढ़ा है, बस वही कोर्स का पार्ट है, बस ये मान लो। और ध्यान देना, दूसरी खास बात, ICAI हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। वो कोशिश करता है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाए, किसी भी चैप्टर को छोड़ने में वो खुश नहीं होता है। तो अगर आपने 50% कोर्स भी किया है तो ध्यान देना, 50% पेपर उन्हीं चैप्टर से आने वाला है जो आपने किया है, तो पास होने के चांसेस अभी भी हैं। एक खास बात आपके लिए, इस समय कोई नया चैप्टर, कोई नया क्वेश्चन, कोई नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना करें। उस 50% को, 60% को ही मान लें कि बस यही मेरा कोर्स है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 60% कोर्स करके भी सीए बने, एग्जाम पास किया। लेकिन अगर आप आते हैं उस कैटेगरी के अंदर जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, तब भी टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ पाए तो कोई रीजन तो रहा होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इतने बड़े कोर्स में एनरोल कराया और आप जानबूझ के नहीं पढ़ रहे। मैं जानता हूं रीजन होगा, और ये आप भी जानते हैं कि रीजन था। तो अगर रीजन था तो रीजन को डायरी में लिखो और नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई चालू करो अभी से। लेकिन आपके मन में डर आ रहा होगा, सर ये अटैक मेरा रह जाएगा क्योंकि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो क्या इससे मेरी फ्यूचर ग्रोथ में फर्क पड़ेगा? खास बात, सीए कोर्स नॉलेज पर बेस्ड है, अटेम्प्ट पे रहे। एक अटेम्प्ट पास हो रहे हो या दो में पास हो रहे हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके पास कितनी नॉलेज है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के बाद एग्जाम पास किया और उसके बाद उनकी लाइफ में जबरदस्त ग्रोथ आई। तो टेंशन अभी भी मत लो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और एग्जाम में बैठ रहे हो तो आप इस मन से बैठो कि एग्जाम में बैठकर मैं देखूंगा कि मेरी राइटिंग स्पीड कितनी है, या वहां का एनवायरनमेंट कैसा होता है, वहां कैसा फील होता है एग्जाम में बैठने से पहले, और उस फील को दिमाग में कैप्चर कर लो। मैं गारंटी से बोलता हूं आप उसके बाद खुद पढ़ाई करोगे, किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ाई करो। और ये खास बात ध्यान रखना, सीए इज पार्ट ऑफ लाइफ, सीए इज नॉट लाइफ। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और सबसे खास बात जो अपने मन में बिठा लो, सब ठीक होगा।